कि जीवन में संघर्ष को कैसे जीतें। संघर्षमय जीवन का अंत हर समय होता है, हमारे आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है। संघर्ष को अर्थ एक चुनौती है। संघर्ष को जीतने के बाद ये सोचना चाहिए कि कम से कम हमारी क्षमताओं का पता चलता है, हमारी नई नई शक्तियां जागती है। गार्डन में जीने वाला पौधा दो दिन पानी नहीं मिले तो मुरझा जाएगा, और जंगल में होने वाला पौधा साल भर पानी नहीं रहता तो भी हरियाता रहता है। तो संघर्ष जब जीवन में आता है तो हमें बहुत मजबूत करता है, हमारा विल पावर बढ़ाता है। हमेशा व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि जीवन संघर्षमय हो। जीवन में जितनी चुनौतियाँ आएंगी उतने ही तुम्हें अमर करेंगे। आप देखो महापुरुषों में वे ही पुरुष सबसे ज़्यादा पूजे जा रहे हैं जिनके जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष है। 8 राम और हुए, सबसे ज़्यादा रामचंद्र जी कौन पूजे गए? दशरथ पुत्र, क्योंकि सारी जिंदगी। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा कौन पूजे गए? क्योंकि 10 वर्ष से संघर्ष ही संघर्ष। जिन तीर्थंकर के जीवन में संघर्ष नहीं आया उनका बस ठीक है, 24 भगवान के नाम आ गए तो उनका भी ले लो। संघर्ष का जीवन के साथ चुनौती होती है। आपने देखा होगा तुम्हारी पिक्चरों में जो हीरो होता है उसका सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कराया जाता। सुखमय जीवन कौन जीता है? खलनायक। और संघर्षमय जीवन कौन जीता है? हीरो। और फिर भी उसका नाम क्या है? हीरो। तो हीरो बनना है तो पूरी पिक्चर में, पूरी जिंदगी में संघर्ष का सामना करो, अंत के 5 मिनट में तुम्हें सारा फल मिल जाएगा। पूरी पिक्चर में देखो, जितनी पिक्चर हैं हर पिक्चर में हीरो को संघर्ष में दिखाया। पुराण शास्त्रों में पढ़ो तो हर उन्हीं चीजों की कथाएं हैं। आप मंदिरों में चित्र बनाते हो, उन मुनिराजों के नहीं बनाते जिन मुनिराजों ने शांति के साथ मोक्ष प्राप्त कर लिया, उन मुनिराजों को बनाते हो जिनको शेर खा रहा है, उनके बनाते हो जिनको सियालनी खा रहे, उनके बनाओगे जिनको नाग पति ने लाके दिया और वो हो गया। तो संघर्षों के साथ जो जीवन होता है वो अमर हो जाता है। इसलिए संघर्ष जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है, जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है।